नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो शायद आज 3 अप्रैल मॉर्निंग और एग्जैक्ट यू नो 1 मंथ बचा है फॉर एक्चुअल नीट। एंड एज यू ऑल्सो नो, ऑलवेज नो दैट वी आर डेफिनेटली नॉट MBBS एजेंट, वी आर MBBS काउंसलर, वी आर करियर काउंसलर, वी आर करियर मेंटर। एंड आई थिंक नाउ इज़ द टाइम फॉर यू गाइज टू लिसन अ टिप, अ वेरी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टिप। देखिए, हर पेरेंट को लगता है कि उनका बच्चा बहुत होशियार है, सुपर इंटेलिजेंट है, बस ध्यान नहीं देता, वरना वो तो छक्के मार दे, ठीक है। और खैर, मैं समझाता हूँ, जो लोग मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं या जो मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं डालता भी हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि कोटा में जो सुसाइड्स होती हैं उसकी वजह क्या होती है। वो वजह यही होती है कि बच्चा कोप अप नहीं कर पाता उस कंपटीशन से जो मिलता है जब दूसरे सुपर ब्रिलियंट बच्चे उसके साथ क्लास में बैठे होते हैं। तो पहली चीज़ आपको समझनी यही चाहिए कि हर एक बच्चा 650, 720, 710 नंबर ला ही नहीं सकता, चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले। फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, अदर देन दी हार्ड वर्क देर आर फ्यू अदर थिंग्स ऑल्सो कम्स इन टू प्ले, चाहे वो IQ जिसे हम बोलते हैं, बेसिक इंटेलिजेंस कोशंट, फोकस कह ले हम, मेमोरी कह ले, एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स आर गिवन बाय गॉड और शुड आई से दीज आर बाय बर्थ। तो लोग से पूछते हैं, सर आपके बात ठीक है, आप समझाते हो, तो फिर हमारा बच्चा 720 या 600 के लायक है ही नहीं, तो फिर क्या हम ये मेडिकल इंजीनियरिंग लाइन छोड़ दें? मैं कहता हूँ नहीं। ऑन वन साइड आप ये देखें ना कि तभी नीट के लिए क्वालिफाई स्कोर जो है वो 150, 140, 130 होता है। सो 200-250 नंबर ला कर भी आप एक अच्छे डॉक्टर फ्यूचर में बन सकते हो, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज सच एंड दी अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया इज सच। तो ऑफकोर्स जो 650 नंबर ला के मेडिसिन में जाएगा या जो 250 नंबर लेके जाएगा उसमें कुछ तो फ़र्क होगा, पर जैसा हमने कहा हिंदुस्तान या दुनिया इतनी बड़ी है कि वो 650 नंबर या फ्यूचर का जो सुपरस्टार डॉक्टर होगा उसकी भी ज़रूरत है दुनिया में। और शायद जो लोग अब्रॉड से करके आते हैं और फिर आके एक सिंपल प्रैक्टिस करते हैं जनरल फिजिशियन बन के और छोटे मोटे इलाज करते हैं, बुखार खांसी मलेरिया वगैरह, तो उसकी भी ज़रूरत है ना। सो नॉट एवरी डॉक्टर वुड बी नरेश त्रिहन जी और यू नो GK मनी और डॉक्टर सेठी या डॉक्टर साइमन थॉमस, उस तरह के डॉक्टर्स, बट हिंदुस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, राइट? तो ये चीज़ अगर आप समझते हैं तो नाउ कम्स द टिप। एक महीना बचा है अब, ठीक है, सबकी कोर्स पूरा हो चुका होगा और आपको ना आइडिया लगने लग जाता है कि आपके नंबर कितने हैं। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ जो मुझसे जो आजकल क्वेरी आती है ना कि सर आपके प्रैक्टिस टेस्ट पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस टेस्ट आप कोचिंग सेंटर्स में लेते हैं और जिसके इस समय 250-300 आ रहे हैं लगातार। देखिए मैं एक्सेप्शंस कैन ऑलवेज बी देयर, और उसमें मैंने आपको वीडियो बनाया भी था कि एक अच्छा दिन एक बुरा दिन कभी भी हो सकता है। मेरे साथ वो बुरा दिन था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 28 फरवरी को। किसी के साथ बुरा दिन हो जाता है, नीट वाले दिन तबीयत ख़राब हो गई, 3 क्वेश्चन में अटक गए और जो 700 वाला था उसके 400 आ गए, 400 वाले के 100 ही रह गए, तो वो सब भी होता है। एंड आई ऑलवेज एनकरेज यू पीपल टू प्लान फॉर दैट और प्लान हैव अ प्लान बी अगर वो पेपर वाला दिन ख़राब हो गया। बट उसके अलावा और तुक्का भी ले सकता है, देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर है, नीट आपकी तैयारी 400 की आ गए 600, बट यूजुअली अगर आजकल आप प्रैक्टिस टेस्ट ले रहे हैं फुल लेंथ वाले ले रहे हैं विच मिरर्स नीट, और आपके प्रैक्टिस में नंबर 300-250 कंसिस्टेंसी आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप 700-650 की लीग से तो बाहर हो गए। अब स्पेशली ऐसे भी बच्चे होंगे इस समय जिनके लगातार 50-100 नंबर आ रहे हैं, जी हाँ। और देखिए आते ही है ना, हर साल अगर इस साल 24 लाख बच्चे नीट में बैठने वाले हैं तो 10 लाख बच्चे होने वाले हैं जिनके 150 से कम नंबर आने वाले हैं, और वो बच्चे भी शायद कोई 2 साल से कोटा में LN में पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और समटाइम इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि दे मे बी हैविंग वीकर मेमोरी देन अदर्स, अ वीकर IQ देन अदर्स, और वो 3 किताबों का सिलेबस पढ़ने के चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ पाते और नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते। देखिए जिसके 50 नंबर आए हैं, मैं ये नहीं कहता कि दे कुड हैव बीन अ गुड डॉक्टर, लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे डॉक्टर बने तो खाली बायोलॉजी चाहिए, तो लेट्स से किसी की फिजिक्स बहुत कमज़ोर है और फिजिक्स पढ़ने के चक्कर में बायोलॉजी भी भूलता जा रहा है, पर अब सिर्फ बायोलॉजी पढ़ लो इस समय अगले एक महीने, तो हो सकता है उसमें 360 में से आपके 200 मार्क्स आ जाएं, आप नीट क्वालिफाई कर गए, आप इंडिया में अब्रॉड में MBBS कर सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट BDS कर सकते हो, आयुष डॉक्टर बन सकते हो, BSc नर्सिंग कर सकते हो, यू कैन बी अ गुड मेडिकल पैरा मेडिकल प्रोफेशनल। बट ये 3 मोटी मोटी किताबें पढ़ने के चक्कर में पता चलता है नंबर ही 100 आ गए। सो टिप यही है, स्टार्ट नाउ, फाइन ट्यून योर सिलेबस।
देखिए जो 600 से ऊपर है वो वैसे ही पढ़ते रहिए, पर स्पेशली जो 100 नंबर के नीचे हैं, इस समय 150 के नंबर नीचे हैं, उनका फ़र्ज़ है तीन में से एक किताब को तो साइड पर रख दो। और मैं जनरली कहूँगा कि बायोलॉजी को मत रखिए। देखिए बायोलॉजी तो आपको पढ़नी है ना ज़िंदगी भर, अगर आप मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड में होने वाले हैं, 360 नंबर की होती है। तो मेरा पॉइंट ये है कि मेरे पास हम इतना सिलेबस को देख के घबराए थे, सिलेबस को पहले इतना कर दो कि बच्चे को ऐसा लगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री नाम का सेक्शन है ही नहीं। इमेजिन कीजिए आपको सिर्फ बायोलॉजी का पेपर देख के आना नीट में, तो 360 में से शायद काफ़ी बच्चे 200 नंबर ले आएंगे, जिनके फ़िलहाल 720 में से भी 50 नहीं आ रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट में, बिकॉज ऑफ द शेयर अमाउंट ऑफ सिलेबस। हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये पढ़ते हैं वो भूलने लग जाते हैं, वो पढ़ते हैं ये भूलने लग जाते हैं। देखिए नीट का फ़ायदा यही है ना कि आपके कोई सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, आपको ये तो है नहीं कि तीनों में पास होना या तीनों में मिनिमम 25 नंबर आने चाहिए। आपके बायोलॉजी में अगर 360 में से 250 हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में 00 भी हैं, तो भी यू विल बी 250 मार्क्स, यू आर नीट क्वालिफाइड एंड यू आर एलिजिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सीट्स। सो बिगेस्ट स्टेप इज अगर आप उस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं, स्पेशली जिनके प्रैक्टिस टेस्ट में इसे में लगातार 150 से कम आ रहे हैं, और मैं रिपीट कर रहा हूँ 1,000,000 बच्चों के आ रहे होंगे, खैर मेरे वीडियो 1,000,000 बच्चे नहीं सुन रहे बट आ तो रहे हैं ना, क्योंकि नीट में तो हर साल यही होता है ना, आधे बच्चों के नंबर 150 से कम होते हैं, उन सब बच्चों के नंबर काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं अगर आप तीन किताबें छोड़ के एक किताब पर फोकस कीजिए। और सिमिलरली मैं कहूँगा जो 350-250 की रेंज में भी है, उनको अगर लगता है कि कुछ टॉपिक समझ ही नहीं आ रहे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, या फिजिक्स में ऑप्टिक्स बहुत मुश्किल है, या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है जो टॉपिक्स हैं जो बहुत मुश्किल हैं, उन छोड़ दीजिए। मतलब आप ये सोचिए कि आप अटैम्प्ट 600 नंबर का करेंगे पर आपके 450 नंबर आने की उम्मीद है, 500 नंबर आने की उम्मीद है, उसमें भी तो फ़ायदा है ना। तो इंडिया में क्या है, जैसा आप जानते हैं, ज़्यादा जितने ज़्यादा नंबर उतना आपका फ़ायदा। पहले तो सरकारी सीट है, और सरकारी सीट का मतलब सस्ते कॉलेज, नहीं तो अच्छे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, नहीं तो महंगे प्राइवेट कॉलेज, जो भी आपको लेना है, बट मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट। अगर आपके 450 नंबर आते हैं तो एटलीस्ट यू कैन गेट गुड प्राइवेट कॉलेज एट लोअर फीस। ग्रेट प्राइवेट कॉलेज आपको 250 नंबर में मिल सकता है, जैसे कि हम जानते हैं DY पाटिल टाइप के, बट देन यू हैव टू स्पेंड 2.25 करोड़ रुपये। बट वही अगर आप 350 नंबर लें, 400 नंबर लें, तो आपको वही अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 1.25 करोड़ के बजट में मिल जाएगा, तो 50 लाख तो बचेंगे। तो इस समय अगर आप सिलेबस को फाइन ट्यून करना शुरू कर दें कि ये टॉपिक्स, अगर देखिए अभी तक समझ में नहीं आया है ना, 2 साल पढ़ के, कुछ ड्रॉपर भी होते हैं 2.5 साल पढ़ के, तो अब कौन से एक महीने में सब क्लियर हो जाएगा। सो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट नोइंग आपकी स्ट्रेंथ, कौन से सिलेबस आपको अच्छी तरह से आता है, आपकी पकड़ है, आप उस पर जोर लगाइए और प्रैक्टिस टेस्ट में कोशिश कीजिए कि आप 100 नंबर बढ़ाएं अपने और एक महीने में कम से कम, और बढ़ सकते हैं अगर आप ये छोड़ दें कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़नी, ठीक है ना। फिजिक्स में मुझे 3 टॉपिक समझ में आते ही नहीं है, बहुत कोशिश कर ली मैंने, या केमिस्ट्री में मेरे को पर्टिकुलर फिजिकल केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, या बायोलॉजी में भी फॉर दैट मैटर अगर 2-3 टॉपिक हैं समझ में नहीं आ रहे हैं, और आपका सिलेबस जैसे ही कम हो जाएगा ना, तो आपकी टेंशन एक्चुअली कम हो जाती है। मैं भी देखिए पेरेंट भी हूँ ना, तो और हम भी पहले स्टूडेंट भी तो रहे हैं टॉप कॉलेज में, तो हमेशा हम किताब के पेज गिनते थे, राइट। अरे बड़ी मोटी किताब है, कैसे ख़त्म होगी, वही दिमाग में चलता रहता है। तो उस चीज़ से बचिए, उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। और जैसा कि मैं अगेन आई एम रिपीटिंग कि अब टाइम आ गया एक महीने में फ़ाइन ट्यून करने का, पेपर टेकिंग स्ट्रेटजी को फाइन ट्यून करने का, और ऑब्जेक्टिव पेपर में कभी कभार चॉइसेस ऑप्शंस कैन ऑल्सो हेल्प यू टू फाइंड द सोल्यूशन, तो उस पर ध्यान दीजिए। आई थिंक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो जितनी मिलनी थी अभी तक मिल चुकी होगी, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।